श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले के विरोध में मारे गए श्रद्धालुओं के लिए कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं ने कैंडल जलाकर की प्रार्थना। जम्मू कश्मीर में मारे गए तीर्थयात्रियों के लिए प्रार्थना। तीर्थयात्रियों की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। प्रार्थना के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे। मारे गए तीर्थयात्रियों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए थे तीर्थयात्री। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। चलो सर, अरे भाई सर, आज जो कैंडल गया, निश्चित तौर से ये बहुत ही दुखद आतंकवादी घटना है जिसमें हमारे इस देश के महान जो हमारे लोग नागरिक जो दर्शन करने गए थे उनकी हत्या की गई। उनके बस पर हमला किया गया और उसमें हमारे दर्जनों साथी चले गए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चूक है और निश्चित तौर से इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से जो घटना घटी है उसके हम लोग सब लोग आज यहाँ कर हमने उनके मृतक आत्मा की शांति के लिए कैंडल जलाया और जो घायल हैं उनको यथा शीघ्र वो स्वस्थ हों, अपने घर जाएं, इसके लिए प्रार्थना किया। सर, कैंडल मार्च को लेकर जिस तरह से आज घटना को लेकर अपने कैंडल मार्च निकाला, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही दुखद घटना है जो जम्मू कश्मीर में हमारे दर्शनार्थियों के ऊपर गोली चलाई गई, उनको मारा गया। ये सरकार की नाकामी है, सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए था। और उसमें उत्तर प्रदेश की हमारे दर्शनार्थी थे जो दर्शन करने गए थे उनको टारगेट करके निशाना मारा किया गया है, इसकी हम निंदा करते हैं। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए था, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसी इतनी बड़ी घटना घट गई। तीनों सत्ता को लेकर पीठ थपथपा रहे थे, इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी तक मौन से ये पूरी तरीके से फेलियर है, गवर्नमेंट की फेल है, सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। और कहीं पर भी वो अपने लोगों को बचाने का कार्य उस पर काम करना चाहिए कि उनके साथ सुरक्षा कैसे उनकी पूरी तरीके से हो। और इतनी बड़ी घटना घट गई, इतने लोग उसमें घायल हैं, वो अति यथायथ शीघ्र उनको जल्द से जल्द अच्छे अस्पताल में उनका इलाज कराया जाए और उनको स्वस्थ किया जाए। सर, एक तरह से जो है इतनी बड़ी घटना हो गई और अपने मंत्रिमंडल के बाद बड़े पड़ाके लगाए गए, बहुत और घटना को कोई लोग अभी तक किसी ने जो संज्ञान नहीं लिया, इसलिए यही कहना है कि इस पर निश्चित तौर से लोगों को खुशियाँ मना रहे हैं, लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, इस पर कदापि नहीं होना चाहिए। और सबसे उत्तर प्रदेश के हमारे वो तीर्थयात्री थे जो दर्शन करने गए थे, पूजा करने गए थे, आज निश्चित उनके प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी। और इस पर कहीं पर भी मंत्रिमंडल का जश्न खुशी नहीं मनाना चाहिए था, उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करना चाहिए था, उनके परिवारों को ढाढ़स बनाना चाहिए था। इनके खुशी मनाने से, मिठाइयाँ बांटने से निश्चित तौर से उस परिवार को दुख हुआ है, वो परिवार कष्ट में है, उसको उसके साथ खड़े होने का समय है। हम सब कांग्रेस के लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं और निश्चित अपने दुख हम लोगों ने दुख व्यक्त किया और जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर अपने घर जाए, ये हम लोगों ने प्रार्थना की। ठीक है।